हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत करता हूँ एलियन वेब में। हाँ, एलियन वेब में, क्योंकि पिछले भी बताया था ना कि मूव नहीं आएगा, कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एलियन वेब ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि भाई कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अब आएगा, इस वीक में मूव आएगा, तो अब रेडी रहना। अब देखेंगे कि क्या ये जो रैली फ्राइडे के दिन आई थी, मतलब बहुत अच्छा मूव था। बैंक निफ्टी हम लोगों ने 700 पॉइंट गेन किया, और टेलीग्राम पर ये सारे ट्रेड आपके साथ शेयर किया गया था। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, अब उसको क्लिक करते ही ज्वाइन कर लोगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी G22 में क्या होगा उसका रिजल्ट दिखाने वाली है। आइए चलते हैं और देखते हैं। इस बार निफ्टी की काउंटिंग नहीं किया मैंने, क्योंकि एक दो बार मैंने इसको सरेंडर कर दिया है कि मूव जो है मुझे लग रहा है, बट इसको ना मैं टाइम वाइज फेज दिया है। टाइम वाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो इम्पल्स होता है, तो जितना टाइम पीरियड इम्पल्स लेता है, जैसे कि हमने इसको कंसीडर किया, ये भी थर्ड है। मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम बता चुका हूँ कि अभी थर्ड है और फोर्थ में प्राइस जो है निफ्टी में चल रहा है, ठीक है? तो ये टॉप जो लगा था 19,991 का, वो थर्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट टूटा है, तो टाइम वाइज इसको फर्स्ट फेज रखा गया है। फर्स्ट फेज का मतलब ये हुआ कि प्राइस ने 49 बार्स लिया है, मतलब 49 कैंडल्स में आया है प्राइस डाउन, ठीक है? और इसी बॉटम को कवर करने के लिए, इसी बॉटम तक प्राइस को आने में इसी टाइम का डबल टाइम लगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर ये प्राइस जो है इंपल्स में है, तो आपको क्या करना है कि इंपल्स की पूरी टाइम को, क्या इंपल्स की पूरी लेंथ को आप मेजर करोगे कि टाइम पीरियड कितना लिया। तो सेकंड जो फेज बनेगा, या हो सकता है कि बी बन सकता है, हो सकता है कि सेकंड वेव बनेगा। तो जब भी हम सेकंड फेज की बात करेंगे, तो दो ही पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, बी या तो सेकंड वेव, राइट? फोर्थ नहीं। तो सेकेंड फेज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हो, तो ये पॉइंट जो है 96, मतलब 49 का ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है? तो ये इंपल्स हो गया और ये करेक्शन हो गया। तो इंपल्स, करेक्शन और अगेन क्या होगा? इंपल्स। तो पॉसिबिलिटी है कि इंपल्स जो है स्टार्ट हो जाए। तो ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि आपको ना एक स्टॉप्स है, मतलब 1, 9, 2, 4, 5 और 44, ठीक है? ये दोनों मतलब एक ही लेवल है, बट आपको ध्यान रखना है, जिस अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ना, तो सेकेंड पेज कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड फेज जो है डाउन ट्रेंड का, वो कंटिन्यू रहेगा, ये ध्यान रखना। ये कई वो एक महीने से ब्रेक नहीं किया है, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ 19245 और क्लोजिंग नहीं आई इसके नीचे, ठीक है, तो इंपल्स ही स्टार्ट होगा। कहां तक के लिए? अपना पुराना टारगेट 20,160। मैं अभी तक भूला नहीं हूं और बार बार आपको बता रहा हूं कि एक मूव जो है पेंडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो ये हमारा लॉन्ग साइड का स्टॉप रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर, कट गया निकल जाएंगे। और आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि यही बॉटम लग गया, तो आपको एक काम करना है कि आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालेंगे ऐसे, राइट ना, और डेस्टिनेशन आपका कुछ इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आप इस तरह से डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी 23% हो चुका है, 23% से ऊपर है, तो मुझे लगता है 38.2% ब्रेकआउट जोन है। आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है और रिट्रेसमेंट भी है, इसने बढ़िया से ब्रेकआउट कर दिया, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है 50, 61, 81.2%, 100 एंड 127% तक जाने की भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड फेज में है इस वक्त निफ्टी, ठीक है? अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ज्यादा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का, बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कोई चेंज नहीं किया गया है, जैसा आपको स्टडी दिया गया एग्जैक्टली उसी स्टडी को बार बार रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा मूव नहीं आ रहा। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है वो हम पूरे मूव के यहाँ से यहाँ तक पूरे मूव को मैं फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, या फिर इसको आप ये भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें पांच मूव है, तो टर्मिनल इंपल्स मैंने पहले से भी कंसीडर किया हुआ है कि ये टर्मिनल इंपल्स है और प्राइस का जो फॉल आएगा वो आपका एक अपॉर्चुनिटी देगा बाय करने का। तो प्राइस में क्या हुआ कि जैसे कि अब यहाँ से 28 अगस्त के बाद जो है, मतलब 25 अगस्त के बाद थोड़ा सा मूव आया और ये जो है प्राइस जो 38.2% टच किया और वहां से स्लिप हो गया। तो अब इस जो पॉइंट को रख, जो यहाँ पर सी बना हुआ ना, ये सी पॉइंट जो है आपका 127% नहीं है, ये आपका 111% है। तो 111% है तो वो फ्लैट करेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक ना? तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और आपका ये सी पॉइंट है, ठीक है? और इस पॉइंट को हमने सेकंड में कंसीडर किया है।
अगर थर्ड स्टार्ट होता है ना इसका, तो क्या करना है कि आपको कि इस वाले मतलब इस जीरो पॉइंट को और बी जीरो से बी के टेन लाइन डाल दोगे। मैं अभी डाल के दिखाता हूँ, मैं ब्रेकआउट करते ही प्राइस जो है एक ही डेस्टिनेशन है फिलहाल के लिए, हम 61.8% तक मिनिमम लेकर चलेंगे और मैक्सिमम जो है 81.2% तक इसको लेकर चलेंगे। ध्यान रखना कि इसका अगर हम लोग लॉन्ग किए हुआ, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ और टेलीग्राम पे ट्रेड दिया था मैंने, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है ना, तो ध्यान रखना कि यही आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा, निकल जाना। नहीं ट्रिगर करता है बस बने रहो, 700 पॉइंट ऑलरेडी पॉकेट में है। अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है 23% पर या 14% पर, तो दोबारा ग्रैब करेंगे इसको, क्लियर। और फाइनल डेस्टिनेशन हम 61.8% और 81.2% तक लेकर चलेंगे। अगर इस वीक में कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो इसको रिवाइज करेंगे हम लोग लाइव सेशन में, ठीक है। आप देखो जरा कि कितना जल्दी ये टूटता है, तो मैं इसको ना बैंक निफ्टी पर इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं इसको। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाना आप लोग, और क्या करना है कि इसको ना ऐसे अप्लाई कर देना। देखो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है और सी की तरफ आया, मतलब तो कहने मतलब है कि आप इसको ऐसे अप्लाई करोगे, जीरो से बी के टेन लाइन अप्लाई कर दोगे। और जैसे ही जल्दी टूटेगा, मतलब अब यहाँ देखो कि यहाँ कितना टाइम पीरियड इसने लिया है, कितना टाइम पीरियड इसने लिया हुआ है, हम लोग इसको टाइम पीरियड यहाँ से देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड लिया है ये 52 है, तो 52 मैक्सिमम 52 तक ही लेके चलेंगे। और फिलहाल तक प्राइस जो कहाँ तक आ चुका है, कितना टाइम पीरियड ले लिया इसने, तो यहाँ तक इसने टाइम पीरियड ले रखा है इसने भी 21, तो 52 तक ही मैक्सिमम लेकर चलेंगे। ब्रेकआउट कर देता है तो हम इसको भी हम लोग 61.8% और 81% तक इसको लेकर चलने वाले हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा इसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बट कोशिश किया है मैंने कि आपको बता सकूँ कि क्या होने वाला एग्जैक्टली। हम लोग अभी फिलहाल भी बाय इंडेक्स का ही डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक ना। लाइव सेशन में आना बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, जय हिंद।